हेलो क्लास यूकेजी, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ योर मैथ्स वर्क। आज आपका ये मैथ्स वर्क है, पुट द ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू इन द बॉक्सेस। यहाँ पे बॉक्सेस नहीं है, सॉरी, सर्कल है। सर्कल में आपको फिल करना है। क्या फिल करना है? यू हैव टू काउंट द ऑब्जेक्ट इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करना है, एंड देन यू हैव टू फिल विच सिंबल विल कम। कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा और इक्वल टू आएगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू सो मैनी टाइम। मैं एक्सप्लेन आपको कर चुकी हूँ बहुत टाइम कि कैसे करना है, कैसे पता चलेगा। द यू विल सी द थिंग्स एंड यू विल काउंट दैम। दोनों साइड एक जैसे ऑब्जेक्ट्स बने हैं बॉक्सेस में, तो आपको काउंट करना है किधर ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं और किधर कम है। ओके, यू सी, लेट्स काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो वी विल राउट राइट हियर आर 8 ऑब्जेक्ट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देयर आर 12 ऑब्जेक्ट्स। सो यू सी विच आर ग्रेटर, कौन से ज़्यादा है? येस ऑफ कोर्स 12 इज ग्रेटर देन 8। 12 जो है वो 8 से ज़्यादा बड़ा है, 8 के बाद आता है। सो वॉट विल कम हियर? दिस नंबर इज लेस एंड दिस नंबर इज मोर। ये नंबर कम है और ये ज़्यादा है। तो जो नंबर कम होगा, जो नंबर लेस होगा, हमारा जो क्रोकोडाइल है उसका माउथ ऐसे शट हो जाएगा। ओके, इस तरह से यू कैन सी माउथ शट। ओके, सो वी विल यूज दिस सिंबल। ओके, लाइक दिस। 8 इज ग्रेटर देन, 8 इज लेस देन 12, 8 इज लेस देन 12। नाउ सी, लेट्स काउंट द स्टार्स। बोथ साइड देर आर स्टार्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके, नाउ लेट्स काउंट दीज स्टार्स। वी विल राइट द नंबर ऑल्सो। नंबर भी लिखेंगे यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देर आर 12। सो विच नंबर इज मोर? ऑफकोर्स 15 इज मोर। 15 बड़ा नंबर है क्योंकि स्टार्स यहाँ ज़्यादा हैं, यहाँ कम हैं। So let's see which symbol will come here, which sign will come here. Crocodile mouth will open this side like this. Okay, you can write इस तरह से भी आप कर सकते हैं। Crocodile mouth will open like this. ठीक है, क्योंकि यहाँ नंबर हमारा बड़ा है और यहाँ छोटा है, तो हम इस साइड अपने माउथ को ओपन करेंगे। ठीक है, Crocodile mouth will be open like this. So we will use this symbol. Okay, ये symbol हम लगाएंगे यहाँ पर। अंडरस्टूड? क्योंकि हमारा इस साइड नंबर कम है, वी हैव पुट हियर दिस सिंबल। एंड इस साइड हमारा ये नंबर ज़्यादा है, वी हैव पुट हियर दिस साइन। दिस इज ग्रेटर देन साइन, दिस इज लेस देन साइन। ओके, जब आपका नंबर इधर कम है तो आप ये साइन यूज़ करेंगे, दिस इज ग्रेटर देन साइन। एंड अगर जब आपका नंबर इधर कम है, यू विल यूज़ दिस साइन, दिस इज लेस देन। एंड ज़्यादा के लिए, मोर के लिए, वी विल यूज दिस साइन, दिस इज ग्रेटर देन। ओके, नाउ सी, इक्वल टू, तो इस तरह से आप काउंट करते जाएंगे एंड अपने अपने बॉक्सेस में आपको लिखना है कि कहाँ क्या आएगा। लाइक दिस, अगेन आई एम मेकिंग द बॉल्स। You can see these are the balls. Yes, now see there are 6 balls and there are also 6 balls. यहाँ पर भी 6 balls हैं and यहाँ पर भी 6 balls हैं. So what we will do, because there are equal on both side. यहाँ पर दोनों side both objects आप equal हैं. Then we will use this symbol. Equal to, इसको क्या बोलते हैं? Equal to. It means 6 is equal to 6. 6 के equal होता है, बराबर होता है. Okay? तो मैंने आपको इस तरह से बता दिया and I hope you all have understood this. सबको समझ में आ गया होगा और सभी बच्चे, ये 2 मैंने आपको बता दिए, 3 and you, these 4 you will, थ्री सॉरी दीज थ्री यू विल डू योर सेल्फ। आप अपने आप से करेंगे,
काउंट करेंगे पहले दोनों साइड के, इनके नंबर राइट करेंगे, उसके बाद आप कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, किधर की तरफ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा है, उस साइड आपको ये सिंबल राइट करना है, लिखना है, बनाना है, एंड जिधर ऑब्जेक्ट्स कम है उस साइड आप ये वाला करेंगे. ओके, सो दिस इज़ लेस देन, दिस इज़ ग्रेटर देन, एंड दिस वन इज़ इक्वल टू. ठीक है, तो आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा. बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए, इट विल कम इन एग्जाम ऑल्सो. थैंक यू.